देखिए, मैं फिल्म लाइन में बाद में गया, पहले मैं इस एरिया में पैदा हुआ हूँ और साउथ मुंबई मेरी जो है ना, यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, बचपन निकला है, जवानी निकली है। और शोएब भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और इन्होंने जो कोविड में काम किया है तो काम को देख के मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और दूसरी बात ये कि जितनी भी सो कॉल सेक्युलर पार्टीज़ हैं, इनको जो 2014 में बीजेपी और मोदी जी ने एक्सपोज किया कि ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन इनका काम नहीं चाहिए, इनको इनकी भागीदारी नहीं देना है। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार रही यहाँ पर, लेकिन उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए बच्चों को पढ़ाई का रिजर्वेशन नहीं दिया। और जाते जाते श्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का और अहमदनगर का नाम चेंज किया, तो अब इनको मुसलमान के वोट चाहिए। तो ये गंदी राजनीति है, ये अपने मफाद के लिए सबके पास जाएंगे। अगर शोएब खतीब खड़े होंगे इलेक्शन में तो बोलेंगे कि भाई ये कौम के गद्दार हैं, ये पैसे खा रहे हैं। अरे जुबैर खान पैसे खा रहे हैं, अरे कौम के लिए लड़ना, हमारी ही कौम हमको बोलते ना, हमको पीछे टांग खींचने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इतने मुसलमानों के हितैषी है तो देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद के संभाजीनगर के सिटिंग एमपी है, उनके सामने इन्होंने महाविकास आघाड़ी ने क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? तब हमारे मुसलमान भाई को क्यों नहीं दिखाई दिया कि ये गद्दारी हो रही है कौम के साथ? तब कौम के मुसलमानों के हमदर्द ये सब कहाँ चले गए? हमारा आवाज़ उठा रही है ना, अगर इम्तियाज़ जलील साहब कोई भी पार्टी के हो, लेकिन हमारी कौम की तो आवाज़ उठा रहे, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे, ओबीसी की आवाज़ उठा रहे, दलितों की आवाज़ उठा रहे। और संविधान बदल रहा है, संविधान बदल देंगे, कितनी बार कांग्रेस ने संविधान बदला? तो ये सब है ना, चोचले हैं। ये 96 से मैं इलेक्शन में, हर इलेक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ और ये सब दावपेच में देख चुका हूँ। बड़े बड़े नेताओं के सब सबके सबसे दोस्ती होती है और सब सबसे मिलते हैं। शोएब खतीब अगर जुमा मस्जिद ट्रस्ट के लिए किसी को मिलेंगे रिनोवेशन के लिए या बड़ा सोनापुर के लिए, तो भाई आशीष शेलार से मिले आप, अरविंद सावंत से मिले आप, मिलिंद देवरा से मिले, तो हम किसके पास जाए, किसके पास जाए काम कराने के लिए? तुम्हारे घर पे आवे? तो अगर जो बैठा हुआ है उससे काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो बोले भाई आप कौम के गद्दार हैं, आप बीजेपी से मिले हुए हो। तो भाई अगर हमको काम करवाना है, अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाके गवर्नमेंट तारदेव में जाके अप्लाई करूंगा। तो बोलेंगे तारदेव में क्यों गया, घर में बैठ के अप्लाई करना? ये तो भाई दूसरों की मर्जी के हिसाब से हम नहीं चल सकते ना, हमको हमारे हिस्से का काम करना है, जीतना या हारना ऊपर वाले के हाथ में। याद अलग है, उसका अलग ही सीन था, उस टाइम पे मैंने उसको खूब एक्सपोज किया, लेकिन इस बार वो लड़ रहा है तो उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। शोएब भाई का ये चीज़ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि शोएब भाई जीत के आने के बाद हम इनको रात को 3 बजे भी घर से उठा सकते हैं कि भाई ये काम करना है। अगर कोई दूसरा जीत के आते तो भाई साहब वेट कर रहे हैं, साहब सो रहे हैं, साहब बाथरूम में है, साहब मीटिंग में, यही चलता रहता है। साहब मैडम, साहब मैडम, हम लोग को हमारा भाई जीता के भेजना है।